की खास पेशकश वार्षिक राशिफल साल 2020 में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह ज्योतिषाचार्य देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, जिनके द्वारा की गई जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, फिर चाहे वो लालू यादव का जेल जाना हो या फिर MS धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना हो या फिर कहें कि अभी हाल ही में मोदी 2.0 की सरकार में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होना, ये तमाम भविष्यवाणियां देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी पहले ही कर चुके हैं, जो कि एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से सच साबित होती आई है। और आज हम इनके साथ करेंगे वार्षिक राशिफल। जी हाँ, हर किसी को जिज्ञासा होती है कि वो ये जान सके कि उसका आने वाला नया साल उसके लिए कैसा जाएगा, कितनी खुशियां उसकी जिंदगी में लाएगा और कितनी चुनौतियां उसको झेलनी पड़ेगी, मतलब या फिर कहें कि कितनी चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सर ग्रहों की चाल से। जी हाँ, सिंह राशि वालों के लिए नए साल में 2020 में उनके ग्रहों की चाल क्या कहती है सर? जी नमस्कार। ग्रह की जो स्थिति बनी हुई है, आपके लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं, आपके राशि भी हैं, दूसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, तीसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, चतुर्थ स्थान में स्वगृही जो हैं वो मंगल महाराज विराजमान हैं, आपके पंचम स्थान में पंचग्रही योग लगाकर यहाँ पे सूर्य शनि बुध केतु और गुरु विराजमान हैं, और शुक्र जो हैं आपके छठे स्थान रोग स्थान में बैठे हुए हैं, सातवें स्थान में कोई ग्रह नहीं है, आपके अष्टम स्थान में जो है कोई ग्रह नहीं है, भाग्य स्थान में कोई ग्रह नहीं है, दशम स्थान में कोई ग्रह नहीं है, उच्च के राहु जो है एकादश स्थान में है और व्यय भाव में कोई ग्रह विराजमान नहीं है। ग्रहों की स्थिति वर्षारंभ में यही है। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ त्रिपाठी जी कि क्या ग्रहों का हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है, खासकर हमारी राशियों पर? जी देखा जाए कि सूर्य की, हमारा शास्त्र कहता है कि सूर्य की किरणों में 9 ग्रह की प्रॉपर्टी रहती है, तो जो ग्रह आपके अच्छे होते हैं, जो ग्रह बुरे होते हैं, तो सूर्य की किरणों के माध्यम से आपके शरीर में वह रे एब्जॉर्ब होता है और आपके उस ग्रह को रिजुविनेट करता है, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग करता है और शक्तिशाली बनाता है और आपको बेहतर करता है। इसलिए हमारे यहाँ हमारे शास्त्र में ऐसा उपाय बताया गया है कि अगर आपके कोई ग्रह गड़बड़ गलत हैं या अगर आपके ग्रह अच्छे हैं तो उसके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे सभी रोगों का जो जड़ है वात पित्त और कफ है, साथ ही इसके साथ आप देखेंगे हमारे यहाँ जितने सारे देवता हैं 84 कोटि के जो देवता हैं उसके बावजूद ब्रह्मा विष्णु महेश यही जो है 3 हमारे यहाँ मुख्य जो देवता हैं। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि ग्रह जो है हमारे ग्रह में उपाय की जो हम बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ यंत्र है, रत्न है और पूजा है। यंत्र क्या करता है कि ग्रह दोष विपत्ति विनाश कर्म, ग्रह से संबंधित जो भी विपत्तियाँ हैं उसको दूर करता है। रत्न हम क्या करता है, हमारे कुंडली के अनुसार हमारे राशि के अनुसार जो ग्रह हमारे ठीक हैं उसको और स्ट्रोंग करता है, क्योंकि हमारे यहाँ उच्च ग्रह की महत्ता है, हमारे यहाँ नीच ग्रह का रत्न नहीं पहनाया जाता है। यूरोप में या और सब कंट्रियों में जो है नीच ग्रह का रत्न पहनाया जाता है, हमारे यहाँ हमारे देश में हमारे जो ग्रह जो हैं, जो अच्छे ग्रह हैं, हमारे जो उच्च ग्रह हैं, हमारे कुंडली में जो शुभ ग्रह है उसी के अनुसार रत्नों का चयन करके पहनाया जाता है। फिर जो है हमारे यहाँ तीसरा जो उपाय है वो है आपके यहाँ पूजा और पाठ। पूजा पाठ करने से जो भी हमारे ग्रह जो अप्रसन्न है, जो असंतुष्ट है, वो मुदित होकर वो हमको शुभ फल देते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण बात बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे और दर्शकों को। और इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं करियर की। जी हाँ, नए साल में खासकर सिंह राशि वालों के लिए नए साल में उनका करियर कैसा रहेगा ये जानते हैं जी।
यहाँ पे करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके पंचम स्थान में पंचग्रही योग लगा के बैठे हैं, यहीं से विद्या भाव देखा जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए जो वर्ष है काफी बेहतर बना रहा है, क्योंकि ग्रह यहाँ से सूर्य भी चेंज हो जाते हैं। सूर्य जो है प्रति माह एक राशि में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ष के आरंभ में जो फाउंडेशन होता है वही आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ वर्ष आरंभ में पांच ग्रहों की जो ज्योति बता रही है करियर के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में काफी बेहतर है। आप संयमित होकर आप आगे बढ़े, आप बाहरी यात्रा कर सकते हैं, आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। आपके एकादश स्थान में राहु बैठे हैं तो शिक्षा अर्जन के लिए आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं, बाहरी यात्रा कर सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष जो है काफी उन्नति वाला है, मान सम्मान वाला है और नए नौकरियों को भी दिलाने वाला है। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें व्यापार में कभी घाटा नफा नुकसान लगा रहता है, तो उनके लिए खासकर उनके व्यापार के लिए नया साल कैसा रहेगा सिंह राशि वालों? व्यापारियों के लिए सिंह राशि वालों के लिए काफी बेहतर बना हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्नता बढ़ेगी, आपके कोष में वृद्धि होगी, आपका जो है अप्रैल के माह से और आपका आर्थिक दृष्टिकोण में और संपन्नता बढ़ने लगेगी। लाभ के योग बने हुए हैं। इस वर्ष जो है आप कुबेर की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ को प्राप्त करेंगे। वैसे तो त्रिपाठी जी ने बता दिया पहले कि लाभ की दृष्टि से, मतलब आर्थिक दृष्टि से कहें तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी जान लेते हैं जो कि करियर, व्यापार, नौकरी पेशा, इन्हीं से हमारा जो आर्थिक जीवन होता है वो जुड़ा रहता है। तो ऐसे में पूरे साल आखिरकार सिंह राशि वालों का आर्थिक जीवन आपको कैसे नजर आ रहा है? आर्थिक दृष्टिकोण से चूंकि यहाँ पे बृहस्पति यहीं पे चलायमान है, बृहस्पति चलित में यहीं पे हैं, तो यहाँ पे पंचग्रही जो योग है आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा कर्म क्षेत्र आपका दिग्भ्रमित हो सकता है, इसलिए संभल के आगे बढ़ने की जरूरत है। चूंकि आपके राशि में जो आप देखेंगे कर्म भाव के स्वामी आपके छठे स्थान में, इसी माह में ये इधर कुंभ के चेंज हो जाएंगे, तो ऐसे जो है आप अपने काम को, आप अपनी निरंतरता को, आप अपने सकारात्मक प्रयास को, अगर आपने कोई योजना बना रखी है तो आप इसको लेके एक नया रिजोल्यूशन अपने साथ कर सकते हैं, सेल्फ कमिटमेंट कर सकते हैं। आप किसी और के साथ नहीं, अपने साथ कमिटमेंट करें और काम को लेके एक मुख्य धारा में बढ़ें, आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलेगा। करियर के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्नता के योग हैं। चलिए अब बारी आती है रिश्तों की। जी हाँ, नए साल में आपके रिश्ते कितने और बेहतर होंगे, रिश्तों में मिठास होगी या फिर कहीं कड़वाहट आ सकती है, आइए ये भी जान लेते हैं। रिश्तों को लेकर थोड़ा सा आपको संभालने की जरूरत है, आप थोड़ी इसमें सतर्कता बरतें, क्योंकि इस कुंडली के लिए, इस लग्न के लिए, इस राशि के लिए आपके सातवें स्थान के जो स्वामी होते हैं, दांपत्य भाव के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं, तो खासकर एक दूसरे के प्रति समर्पण जरूरी है, एक दूसरे के प्रति अस्पष्टता जरूरी है। आप जो है जरा सा भी लीन वाला भाव न रखें, आप जो है अस्पष्टता के साथ रहें, आप अपनी बातों को रखें, आप जो है जो बात है खुलकर बात करें, बात छुपाने के कारण थोड़ी सी दांपत्य जीवन में परेशानियां जो है उभर सकती हैं। और खासकर आजकल जो दांपत्य जीवन को लेकर हम लोग इस वर्ष जो बता रहे हैं, तो आप लोग जो है छोटी छोटी बातों को भुलाने का प्रयास करें, छोटी छोटी बात को पकड़ के वो तिल का ताड़ हो सकता है और जो है आपको कटघरे तक पहुंचा सकता है, आपको जो है केस मुकदमा करा सकता है, इसके लिए संभलने की जरूरत है। बिल्कुल, और इसी के साथ अब बारी आती है आपकी सेहत। जी हाँ, आखिरकार नए साल में आपकी सेहत कैसी रहेगी, क्या आपको किसी सेहत संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या नहीं, आइए ये भी जानें। सेहत से संबंधित जहाँ तक सावधानी की बात है तो आपके रोग भाव के स्वामी जो है वो शनि है, तो आपको आपसे विशेष आग्रह है कि आप किसी भी प्रकार का ठंडा चीज का सेवन न करें। शनि जो है बर्फ में वास करते हैं तो कफ प्रकृति आपकी हो सकती है, आपको वात की प्रकृति हो सकती है, गैस की प्रवृत्ति हो सकती है, क्योंकि शनि आपके रोग भाव के स्वामी है। शनि जो है रेक्टम और एनस भाव के भी मालिक होते हैं, तो आपको पेट से संबंधित जैसे पाइल्स है, अपेंडिक्स है, ऐसे जो आपको परेशानी
से रूबरू होना पड़ सकता है, इसलिए संभल कर ज्यादा तैलीय पदार्थों का सेवन न करें, ज्यादा जो है स्पाइसी भोजन का सेवन न करें, अन्यथा थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। फैब्रिक वाला भोजन ज्यादा खाएं, जो छिलका वाला भोजन जिसे बोलते हैं, अगर आप ये खाते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। चलिए ये तो जान लिया कि नया साल आपके करियर में, आपके आर्थिक जीवन में कितनी सौगातें लेकर आएगा और आपकी सेहत को कितने दुरुस्त रखेगा, लेकिन अब बारी आती है आपके भाग्य की। जी हाँ, नया साल, नए साल में आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, आइए ये जानते हैं। भाग्य के दृष्टिकोण से इस वर्ष आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। केवल आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके सहयोगी हैं, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, वहां से थोड़ा आपको प्रतिकूलता देखना पड़ सकता है, लेकिन लाख परेशानियां हो, लाख विघ्न हो, लाख कष्ट हो, लाख समय आपके विपरीत हो, लेकिन भाग्य के सहयोग के कारण आप जो है डूबते हुए जल से किनारा आपको मिल सकता है, आप लाभ ले सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने अंतिम पढ़ाव यानी कि उपायों पर। आइए जानते हैं कि राशि अनुसार आखिरकार आपको किस देवी देवता की आराधना करनी चाहिए और किन उपायों के करने से आपके आने वाले संकट टल सकते हैं। आपके भाग्य भाव के स्वामी जो है वो मंगल है, यहीं से इष्ट देव को देखा जाता है। आपके इष्ट देव जो है वो है आपके मंगल है, वो हनुमान जी हैं। तो आपको अगर रोग से संबंधित कोई परेशानी है तो ओम क्लीम हनुमान जी की जो है, आप चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहे सब कोई, इसी मंत्र से आप जो है संपुटित करके हनुमान चालीसा का वर्ष पर्यंत पाठ करें, आप देखेंगे कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और आपको कोई भी परेशानी छू नहीं सकती है। तो यही मैं अपने दर्शकों को ये भी एक बार फिर हमेशा की तरह याद दिला दूं कि अगर आपके भी आपकी कुंडली से संबंधित कोई समस्या हो या फिर ज्योतिष विद्या से संबंधित कोई भी सवाल हो, आप बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आपके हर सवाल का जवाब, आपकी हर मुश्किल का समाधान स्वयं देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी करेंगे। और इसी के साथ मुझे और त्रिपाठी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।